ठीक है, हमने डोमेन और रेंज से शुरू किया था लास्ट लास्ट में, और हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे और होपफुली वाइंड अप कर देंगे इस टॉपिक को इंशाल्लाह। सो अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ ताकि हमें और कोई मसला ना रहे। या रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बेस्ट है। अच्छा, कल तक हमने क्या किया था, हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस की रेंज फाइंड की थी। एक एग्जांपल क्वेश्चन मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपने मुझे इसका आंसर बता देना, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर जी फॉर द फॉलोइंग डोमेन्स। इसके पार्ट वन तक हमें आना चाहिए और पार्ट टू से हमने शुरू करना आ गया। ओके, इसका पार्ट वन है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, मतलब के एक्स की सारी वैल्यूज देखनी है आपने इस फंक्शन में जी। कोई इसका डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं क्या डोमेन, क्या रेंज होगी इसकी? इफ यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फंक्शन, कैन यू टेल मी कि इसकी रेंज क्या होगी अगर डोमेन ये है? सर, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक। नहीं, गलत है, तुमने क्लास नहीं दी कल। सर, वो 4 से ज्यादा या कम कुछ होगा? हाँ, 4 से बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 4 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा क्योंकि स्माइलिंग फेस बनेगा। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। इसका मुझे ट्रेंडिंग पॉइंट बता दें, क्या है h कॉमा k कितना होगा? 2.4, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसकी रफ स्केच बना लूं तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मुझे। टू यहाँ पे कहीं होगा, 4 यहाँ कहीं होगा। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, और जो आपका ग्राफ है वो स्माइलिंग फेस है क्योंकि ए पॉजिटिव है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, तो इसकी रेंज जो है वो आपको दिख रही है, ये 4 से नीचे नहीं जा सकता है ग्राफ, सही है ना? 4 पे टर्न हो गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाता रहेगा इनफिनिट वैल्यूज तक। तो इसकी रेंज क्या होगी, कोई रिपीट कर देगा रेंज क्या होगी इसकी? एफ ऑफ एक्स हमने कल तक कर लिया था, अब मुझे पार्ट टू लिखना। किसी को पार्ट वन में कंफ्यूजन है तो बता दे, नहीं तो ओके लिख के भेज दे अगर आप सुन रहे हैं तो। पार्ट वन क्लियर तो एक ओके लिख के भेज दें ताकि हम आगे बढ़ जाएं। जी, बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे अब से। मूविंग ऑन, पार्ट टू। पार्ट टू में अगर मैं बोलूं कि डोमेन जो है एक्स की, वो हमने चेंज कर दिया, हमने एक्स की डोमेन जो है वो चेंज कर दिया, और एक्स की डोमेन अब ऑल रियल वैल्यूज नहीं है जो कि पहले थी। अब एक्स की डोमेन जो है दैट इज बिटवीन 0 to 3 फॉर एग्जाम्पल जी। अगर मैं बोलूं एक्स की डोमेन है 0 to 3, अब क्या रेंज होगी? सेम फंक्शन, फंक्शन यही है हमारा, कैसे निकालेंगे इसकी रेंज? पार्ट वन तो था एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, हमने रेंज निकाल ली। पार्ट टू में अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर डोमेन हमने डिफाइन कर दिया बिटवीन 0 to 3, तो रेंज क्या होगी? मिनिमम तो 4 ही होगी क्योंकि हमारा 2 बीच में आ रहा है, और
और थ्री के लिए हम लोग उसकी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे। थ्री के लिए सिर्फ, फोर जीरो के लिए नहीं, नहीं क्योंकि टू क्योंकि इसका टू मिनिमम है ना। तो मिनिमम तो आपके फोर होगी, ठीक है, मैक्सिमम क्या होगी? थ्री इनपुट करके निकाल लेंगे, जीरो इनपुट नहीं करेंगे, सेवन होगी शायद, जीरो इनपुट नहीं करेंगे क्योंकि फोर ऑलरेडी मिनिमम है हमारी बात, हमारे पास नहीं, नहीं ये फोर तो वाई की वैल्यू है ना, जीरो तो एक्स की वैल्यू है। देखिए मेरी बात सुने, इसको करने का बेहतर तरीका क्या होता है, लेकिन वाई की मिनिमम तो है हमारे पास, ठीक है, फिर जीरो भी करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये आई थिंक हाजरा पहले बोल रही थी, तो हाजरा अब प्लीज समझ लेंगे मसला क्या है इसमें। पहले तो एफ ऑफ जीरो फाइंड करें आप, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, थ्री इंटू जीरो माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, कोई बता देगा एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है? फोर नहीं, एक सेकेंड, जल्दी से, सिक्सटीन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एफ ऑफ थ्री बताएं कितना आएगा, थ्री इंटू थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर, सेवन, यस यस, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा अब इसको ना मैं आपको जरा सा इसको मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर हो जाए ग्राफ हमारा। ग्राफ को अगर मैं जरा सा रीड्रॉ कर दूँ ताकि हम इसको अपने लिहाज से देख सकें, ठीक है, जीरो पे वैल्यू आई है जब एफ जीरो एक्स जीरो है तो वाई सिक्सटीन है, ठीक है। अच्छा ट्रेंडिंग पॉइंट हमें पता है टू पे, ट्रेंडिंग पॉइंट इज फोर, टू कॉमा फोर, ठीक है। और हमें तीसरा पॉइंट जो है वो एफ ऑफ थ्री, एक्स जब थ्री है तो वाई सेवन है, ठीक है, तो एक्स थ्री है तो वाई इज समवेयर हियर सेवन, ठीक है ना। ये तीन पॉइंट है हमारे ग्राफ के और ट्रेंडिंग पॉइंट हमें पता ही है, तो ट्रेंडिंग पॉइंट से हमें पता है ग्राफ कुछ यूं जा रहा है और कुछ यूं जा रहा है। ये हमारा ग्राफ है स्माइलिंग फेस, ठीक है, ये और ये चलता रहेगा ग्राफ ना, ऊपर तो जाता रहेगा ग्राफ, कहीं ना कहीं जाता ही रहेगा, ठीक है। नीचे जो है वो फोर से नीचे नहीं आएगा, तो ये हमने रेंज बता दी थी पहले तो कि फोर से और फोर से ऊपर, पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। अब पार्ट टू के लिए, पार्ट टू के लिए समझने वाली बात है, पार्ट टू का मतलब ये है कि हम अब देख रहे हैं डोमेन बिटवीन जीरो टू थ्री, ठीक है, तो जीरो पे वैल्यू है सिक्सटीन, थ्री पे जो वैल्यू है वो है सेवन, ठीक है, मतलब हम इसके आगे नहीं देख रहे और इसके पीछे नहीं देख रहे। आप कोई बता सकते हैं रेंज क्या है इस वक्त देखिए, कोई बता सकते हैं रेंज क्या है, बट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, मिनिमम क्या है? मिनिमम इज फोर, मिनिमम इज फोर, किसकी वैल्यू चल रही है? मैक्सिमम कितनी है? सिक्सटीन है ना मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा रही वैल्यू, मैक्सिमम सिक्सटीन है, इससे ऊपर नहीं जा रहा ना ग्राफ, इन्फिनिट तो नहीं है ग्राफ। ग्राफ देखें, हमने डोमेन डिफाइन करने के बाद ग्राफ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से शुरू है, नीचे आ रहा है और यहाँ तक जाके रुक रहा है, ये ग्राफ हमारा डोमेन डिफाइन करने के बाद, शुरू यहाँ से हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है, ग्राफ यूं आ रहा है, बस रुक गया यहाँ पे, ना इससे पीछे ना इससे आगे, ठीक है। तो मैक्सिमम में 16, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 16 है, मिनिमम 4 है, मिनिमम वैल्यू तो 4 है ना, 4 से नीचे नहीं जा रहा ग्राफ, मैक्सिमम 16 है, जो 7 हमने निकाला था वो बीच में कहीं आ रही है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, मैक्सिमम और मिनिमम लिखनी होती है, तो मैक्सिमम 16 है, मिनिमम 4 है, ये बात समझ में आई है कि मैक्सिमम 16 क्यों है, मिनिमम 4 क्यों है? किसी को मसला है तक तो पूछ ले सर, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके अच्छा देखिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था,
जीरो और थ्री की डोमेन थी। तो हमने क्या किया, पहला काम ये किया कि हमने कहा यार इन दोनों को ना जीरो और थ्री को फंक्शन के अंदर रख के देख लें कि वाई की वैल्यू क्या आ रही है। तो जब हमने जीरो रखा तो वाई की वैल्यू आ रही थी 16, तो मतलब जब एक्स जीरो है तो वाई 16 है, ठीक है। तो हमें पॉइंट मिल गया 0.16। सिमिलरली जब हमने एक्स को थ्री रखा तो वाई आ गया 7, इसका मतलब है कि जब x 3 है y 7 है तो एक पॉइंट मिल गया 3.7। इस पॉइंट 3.7 वो एक पॉइंट है 16.0, ठीक है। लेकिन हमें पता है ग्राफ का शेप क्या है, ग्राफ क्या है, क्वाड्रेटिक है, उसका एक मिनिमम पॉइंट भी है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देखें y की वैल्यूज यहाँ पे कैसे चल रही हैं, तो इस पूरे ग्राफ पे जो ये ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके आगे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, इससे पीछे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ये ग्राफ है, ठीक है ना, जिसको मैं बोल्ड किया जा रहा हूँ बार बार। ये ग्राफ है, यहाँ से शुरू हो रहा है 16 से, नीचे जा रहा है 4 तक, फिर ऊपर आ रहा है 7 तक। डोमेन डिफाइन करने का मतलब ये है ना कि हम x की इन दो वैल्यूज के दरमियान रुक गए, 3 पे रुक गए और यहाँ रुक गए, इससे आगे नहीं जा रहे, इससे पीछे नहीं जा रहे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं इस ग्राफ पे जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है 16 से, नीचे आ रहा है 4 तक और ऊपर जा रहा है 7 तक, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? The maximum I can take कितनी है? 16 बिल्कुल ठीक है, 16, और minimum? सर 4 है। 4 है, 4 है, बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा हो क्या रहा है, अब इसको करने का आसान तरीका क्या है, पहले तो हम ये समझ लें कि हमने किया क्या और इसकी लॉजिक भी समझ लें। देखिए क्वाड्रेटिक्स में हमने पहले ही डिफाइन कर लिया, क्वाड्रेटिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि यार इसमें एक टर्निंग पॉइंट जरूर होगा, या तो स्माइलिंग फेस बनेगा या सैड फेस बनेगा। तो हमारे पास नॉर्मली या तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, या y की कोई मिनिमम वैल्यू होगी। जनरली स्पीकिंग y की मैक्सिमम या मिनिमम होती है। तो पहला काम तो आपने ये करना है, जब भी डोमेन दी हुई है तो आप तीन चीजें कर लें, मतलब एक तो जो इन्होंने डोमेन दी हुई है जीरो, उसको देखने क्या वैल्यू आ रही है, फिर दूसरी दी हुई उसको देखने क्या वैल्यू आ रही है, और तीसरी वैल्यू है आपके h कॉमा k में k की, k इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट जो कि 4 था, k वाज इक्वल टू 4 ना, यहां हमने कहा था ना h कॉमा k कितने 2.4। तो हम रेंज की बात करते हैं तो हम सिर्फ k में इंटरेस्टेड है, हम सिर्फ y की वैल्यू में इंटरेस्टेड है। तो हम इन तीन चीजों को कंपेयर करते हैं, 4 को, 16 को और 7 को। नॉर्मली हम ये करते हैं कि इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहां लिख दी, जो सबसे छोटी है वो यहां लिख दी, बात समझ में आ रही है, फॉलो कर रहे हैं इस चीज को? जी सर, ठीक है। अच्छा इसमें सिर्फ एक बार में फड्डा होता है, वो फड्डा मैं अभी लेके आता हूँ, उससे पहले मैं एक आसान सवाल और दे दूँ, एक और सवाल हम कर रहे हैं जल्दी से ताकि आपको समझ में आ जाए उस फड्डे तक पहुँचने से पहले। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 × x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। यार काम करें, इसको माइनस 2 कर दे, माइनस 2 × x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। क्या रेंज है इसकी, इसको देख के कोई रेंज बता सकता है सर, इस क्वेश्चन को देख के? अच्छा क्या रेंज, जब भी कोई पूछेगा रेंज क्या, तो पहला सवाल ये होना चाहिए डोमेन क्या। तो फॉर द फॉलोइंग डोमेन, डोमेन आपको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, पहले डोमेन के हिसाब से रेंज आएगी। तो पहली डोमेन जो है जनरली हम यही देख रहे हैं कि हम लेते हैं कि x belongs to all real values। और मैंने आपको ये भी बताया था कल कि अगर क्वेश्चन ने डोमेन स्पेसिफाई नहीं की, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि डोमेन क्या है, तो डोमेन यही है all real values, ठीक है। अब आप बताएं रेंज क्या होगी जी इस फंक्शन को देख के, माइनस 2 × x माइनस, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ फंक्शन को, थोड़ा गंदा हो गया। द फंक्शन इज माइनस 2 × x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको देख के कोई रेंज बना सकते हैं सिर्फ इस फंक्शन को देख के, बगैर डायग्राम को देखे, सोच के सिर्फ, क्या रेंज है? fx less than equal to 1, less than equal to 1, सोच लो ये पता कैसे चलता है, देख के कैसे बता सकते हैं मतलब? छोड़ दो ये, बस ऐसे तुक्के मार रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। तो रेंज क्या होगी, fx is less than equal to नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, टर्निंग पॉइंट क्या है सर? 1 और 3 है, 1.3।
y कोऑर्डिनेट क्या है टर्निंग पॉइंट का? सर 3 है. 3 है ना यार, तो रेंज क्या होगी? f of x is less than and equals to 3. पार्ट वन में किसी को मसला? नो नहीं सर. पार्ट टू देखें, एक्स इज बिटवीन 0 एंड 2, जी क्या रेंज होगी? क्या करेंगे? पहले एफ ऑफ 0 निकाल लें. एफ ऑफ 0 कितना होगा? माइनस टू इंटू जीरो माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री, कितना होगा? वन. ठीक है, और एफ ऑफ टू निकाल लें, माइनस टू इंटू टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री, ये कितना होगा? सेवन. ये भी वन होगा. ये भी वन हो रहा, तो एक काम करें, इस वैल्यू को चेंज करें, जीरो से थ्री के दरमियान देखें, जीरो से थ्री, इसको अब बताएं क्या आएगा ये? बिल्कुल ठीक है. ओके, रेंज बता दें क्या आएगी. रेंज का मतलब क्या है? कि आप वाई की मैक्सिमम और मिनिमम बताएं. जी सर, माइनस फाइव मिनिमम है और मैक्सिमम थ्री. माइनस फाइव मिनिमम, मैक्सिमम क्या है? वन. कहाँ से आ गया भाई? थ्री है. बिल्कुल ठीक है, थ्री है. कैसे पता? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो यही है ना. अगर इस ग्राफ को आप देखें, इस ग्राफ पे हो क्या रहा है? इस ग्राफ पे ये हो रहा है कि ये जो हमारी वैल्यूज आई है ना, एफ ऑफ जीरो जो है वन हो गया है, और एफ ऑफ थ्री जो है माइनस फाइव हो गया है. इसको अगर मैं ग्राफ पे शो करूं, जीरो पे वैल्यू थी वन, जब एक्स वन जीरो है, एक्स जीरो है तो वाई है वन. ठीक है, तो एक ये पॉइंट है. और थ्री पे जो वैल्यू थी वो थी माइनस फाइव, तो थ्री पे जो वैल्यू है वो है माइनस फाइव. ये हो रहा है ग्राफ में. इससे आगे पीछे हम ग्राफ को नहीं देख रहे, इससे नहीं आगे हम ग्राफ को नहीं देख रहे, लेकिन इससे पीछे भी ग्राफ को नहीं देख रहे, इससे आगे भी नहीं देख रहे. तो हमारा जो ग्राफ है वो अब ये हो गया, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, यहाँ पे रुक गया. डोमेन का मतलब ये है ना, हमने ग्राफ को कैद कर दिया, हमने ग्राफ को लिमिट कर दिया, जूम इन कर लिया. ग्राफ इसके पीछे भी नहीं एग्जिस्ट करता हमारे लिए, इससे आगे भी एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक हो गया, अब हम देख रहे हैं ग्राफ को, और ये वन से शुरू हो रहा है ग्राफ, सही है, जीरो पे वैल्यू वन आ रही थी, ऊपर जा रहा है थ्री तक, फिर नीचे आ रहा है कहाँ तक? माइनस फाइव तक, इन टर्म्स ऑफ वाई. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स जीरो से शुरू हो रहा है, थ्री पे जा रहा है, ये तो डोमेन उन्होंने दी हुई थी हमें जीरो से थ्री क्वेश्चन में. ठीक है, अब जरा इसको इस वैल्यू को देख के बताएं कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है. वाई की वैल्यू, वाई की मिनिमम कितनी आ रही है? माइनस फाइव. और मैक्सिमम क्या है? थ्री. तो सही लिखा हमने आंसर, माइनस फाइव से थ्री. किसी को मसला है यहाँ तक? सर बस जी जी सर, क्या कहते हैं, आपका एक अनोनिमस स्टूडेंट पूछ रहा है कि ग्रेटर और लेसर का साइन की कैसे पता चलता है हमें. स्कूल अनोनिमस रहे तो बेहतर है. कल के लेक्चर देखो, उसको बोलो, कल के लेक्चर देखो सुकून से, कल के लेक्चर सुकून से देखो. एक लाइव लिया करो तो बेहतर है, तब भी हमने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है ताकि आप देख लें, और फिर इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, फिर देख लें, फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछेगा. ग्रेटर और लेस में भी हम जाने का टाइम नहीं है अभी हमारे पास. ठीक है, सो ये हमारा जो फंक्शन है. अच्छा, अब अगर आप लोगों को समझ में आ गया, नॉर्मली मैं क्या बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक्स में वी यूजुअली हैव अ मैक्सिमम और अ मिनिमम. ठीक है, तो हमें हमेशा जो के का की वैल्यू है, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट व्हिच इज थ्री हियर, उसको भी हम
कंसीडर करते हैं। तो हमने कंपेयर किया तीन वैल्यूज को बेसिकली, इनको एक तो ये था, दूसरी ये और तीसरी ये, इनमें जो मिनिमम थी वो यहाँ लिख दी, जो मैक्सिमम थी वो यहाँ लिख दी। जनरली हम यही कर रहे होते हैं, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आप इन तीन वैल्यू को कंपेयर कर लें। बेसिकली मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डोमेन है ए से लेकर बी तक, तो आप एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और के को कंपेयर कर लें, इन तीनों में से जो मिनिमम है उसको यहाँ लिख दें, जो मैक्सिमम है उसको यहाँ लिख दें। ये कह रहा हूँ ना मैं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और के जो है, के विच इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, इन तीनों को कंपेयर कर ले और इनमें आज देख ले। नहीं तो बेहतर है क्या ग्राफ बना ले मेरी तरह और जरा सोच लें कि हो क्या रहा है ग्राफ में। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी हमने कहानी की, इन तीन चीजों को कंपेयर करना और लिखना, देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, और वो एक्सेप्शन क्या है वो आपको बता देता हूँ, वो पार्ट थ्री में आ जाएगी, खुद सोचना है आपने। ओके, फॉर द सेम फंक्शन, फॉर द सेम फंक्शन जिसको हमने ऊपर भी सॉल्व किया, हमने दो डिफरेंट रेंजेस बताई हैं फॉर टू डिफरेंट डोमेन्स, थर्ड डोमेन जो मैं दे रहा हूँ उसमें वो ये दे रहा हूँ, एक्स इज बिटवीन टू एंड फाइव। जी कोई आंसर बता सकते हैं इसका, रेंज क्या होगी? पहले तो मैं आपकी आसानी के लिए एफ ऑफ टू और एफ ऑफ फाइव कैलकुलेट कर लूँ, ताकि आप इतना सोचे नहीं। ओके जी, देख ले, और तीसरी वैल्यू आपको पता हम किसको कंसीडर करते हैं, मुझे बस रेंज बता दें क्या होगी। सही कह रही है, गलत कह रही है ये? कोई और कमेंट करना चाहेगा इसका? सर वन नहीं होगा थ्री की जगह पे, वन क्यों होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है ग्राफ की? अच्छा सही, समझ गया ना जी। कोई और कमेंट करना चाहेगा? जानना नहीं है अभी तुम जो बोल रहे थे जी, क्या ये आंसर सही है गलत है? सही है सर। कोई और? मैं बता देता हूँ आपको, गलत है आंसर, आंसर गलत है। सही क्या होगा जी? सर वो रिवर्स हो जाएंगे, सर हम लोग ये वन ही डालेंगे क्योंकि थ्री, इसलिए डालेंगे क्योंकि थ्री थ्री आ रहा है, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट वन है, वन जो है हमारे डोमेन में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कौन बोल रहा है? हाजरा। ठीक है हाजरा, बिल्कुल सही बोल रही है। असल में यहाँ पे एक बात समझने वाली थी जो कि आई थिंक हाजरा के समझ में आ गई है, लेकिन हाजरा आपने क्लासेस ली नहीं पुरानी, तो चले ठीक है, जिन लोगों ने नहीं ली मैं चाहता हूँ उनमें से कोई बता सके। कोई बात नहीं, हमारे जो ट्रेंडिंग पॉइंट का ट्रेंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसको जरा देखें थे क्या, वो ऊपर कहीं लिखे हुए हमने, वो थे 1.3। इस ग्राफ को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको जरा समझ में आए वो क्या रहा है। 1.3 वाज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रेंडिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा कि ग्राफ जो है वो इस तरीके से होगा कि वो यूं होगा और नीचे भी जाता रहेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक सेकेंड इसको जरा मैं साइड पर कर दूँ, -29 था ना ये, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, हमारी डोमेन क्या है? हमारी डोमेन है 2 से लेके 5, हम 2 से शुरू होंगे और हम 5 तक जाएंगे। और 2 पे जो वैल्यू आ रही है, 2 पे जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 1, ठीक है ना। x जब 2 है तो y इज 1, और x जब 5 है तो y की वैल्यू -29। तो 5 पे आप नीचे आ जाए और अब लेफ्ट ले लें तो आपको मिलेगा -29, ठीक है ना। तो अब मैं काम करता हूँ कि मैं बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ।
अगर आप गौर करें वो क्या रहा है, जो आपका ट्रेंडिंग पॉइंट है वो भी हट गया। आप फॉलो करें, ट्रेंडिंग पॉइंट ही हट गया। ट्रेंडिंग पॉइंट इज नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन नाउ इन दिस न्यू डोमेन। ट्रेंडिंग पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ट्रेंडिंग पॉइंट का एक्सपोनेंट 1 था और वो हमारी इस डोमेन के अंदर फॉल ही नहीं करता। जब ट्रेंडिंग पॉइंट ही फॉल नहीं करता तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फॉल करेगी? ये बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है 2 से, जब x2 है तो y1 है और ग्राफ जो है नीचे जाया जा रहा है। ग्राफ जो है नीचे जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। अरे भाई ये रहा, ओके, और ये यहां जाके रुक गया। तो आपका ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है और नीचे जा रहा है, यहां पे खत्म हो गया। दिस इज योर टोटल ग्राफ फॉर द डोमेन 2 से लेके 5। अब इस ग्राफ पे देख के मुझे बताएं मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम तो सही बताइए आपने, -29, ये ठीक है। मैक्सिमम क्या है? 1 1 1 1 है मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल। कॉरेस्पोंडिंग वैल्यू क्या है y की? मैक्सिमम 1 है। और उसका रीजन सिर्फ यही है कि अब आपका ट्रेंडिंग पॉइंट ही अंडर कंसिडरेशन नहीं था, ट्रेंडिंग पॉइंट ही नहीं हट गया। तो आपने डोमेन जरूर देखनी है, डोमेन क्या है, उस डोमेन को देख के आंसर बताना है। ये समझ में आ गई बात? तो ओके लिख के भेजना। आप टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? क्यों नहीं कर रहे आप बताएं, क्यों नहीं कर रहे? ये तो आपको बताना चाहिए था ना, ये तो मैंने सवाल दिया था करने को। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? हमें क्या शौक है, हम क्यों नहीं कर रहे कंसीडर? हम कौन से पॉइंट्स कंसीडर करते हैं किसी भी ग्राफ में? हम सारे वो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं जो डोमेन में फॉल करते हैं। टर्निंग पॉइंट डज नॉट फॉल इन द डोमेन राइट नाउ। इस वक्त 2 से लेकर 5 तक जा रहे हैं ना हम, डोमेन क्या 2 से 5। टर्निंग पॉइंट तो x इक्वल टू 1 पे था ना, 1.3, ये पॉइंट है टर्निंग पॉइंट। हमने शुरू ही 2 से किया है और हम आगे बढ़ गए, तो ये पॉइंट कंसीडर हुआ ही नहीं। ये सारे तो हट गए, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे ही नहीं, ना वो देखे ना इसके आगे वाले देखेंगे। अब तो हम तो ग्राफ शुरू हमारे लिए यहाँ से हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है। दिस इज आवर होल ग्राफ। डोमेन का मतलब ये है ना, डोमेन का मतलब ये होता है ना कि हम किस पॉइंट से कहाँ तक देख रहे हैं। एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 5 तक देख रहे हैं हम सिर्फ, 2 और 5 के दरमियान। जैसे 2 और 5, अगर फॉर एग्जांपल ये 1 होता तो देन टर्निंग पॉइंट कंसीडर होता, बस उससे पहले का पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इससे पिछला वाला पार्ट देखिए, इससे पिछला वाला पार्ट वो था 0 से 3 में, 0 से हमने शुरू किया था और 3 तक हम गए थे। तो उस वक्त ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा था और यू नीचे आ रहा था 3 तक। तो उस वक्त ट्रेंडिंग पॉइंट जो इंक्लूड हो रहा था, तो हमने इंक्लूड किया, तो मैक्सिमम वैल्यू वही रही जो होनी चाहिए थी ट्रेंडिंग पॉइंट वाली। लेकिन इस केस में ट्रेंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हमने नहीं किया। डज इट मेक सेंस? ये बात समझ में आ रही है? जिस सबको समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दें। कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें। ठीक है, सही है। डोमेन और रेंज से उम्मीद है मुझे कि अब किसी को मसला नहीं होगा। अब आप किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज बता सकते हैं, ठीक है। उसके लिए और मैं अब आप इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे पासवर्ड से वो हो जाएंगे डोमेन और रेंज के एटलीस्ट, ठीक है। बाकी फंक्शन में जो रहेगी मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, लेकिन सिर्फ अपने खुश होने के लिए मुझे एक मैं चेक करना चाह रहा हूं एक चीज। मैं यहां पे ग्राफ बना रहा हूं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। कुछ लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, मुझे पता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं सिर्फ डोमेन और रेंज का सवाल पूछूंगा। साइन एक्स जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको मैं बता देता हूँ कि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 2 पाई तक जा रहे हैं। 2 पाई रेडियन में हम डोमेन देख रहे हैं। दिस इज पाई ओवर 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई ओवर 2 और 2 पाई, ठीक है। तो अगर मैं आपको और मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो होती हैं वो होती हैं 1 से लेके -1। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर दिस ग्राफ क्वेश्चन ये है कि फाइंड the range of the function y is equal to sin x for the following domains। और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैं डोमेन डिफरेंट पार्ट्स में लिखूंगा और आपने मुझे आंसर बताना है कि भाई इसकी रेंज क्या है, पार्ट वन, ठीक है। ग्राफ आप लोगों ने पहले नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी देख लें। ये 1 है, यहाँ पे -1 है, ये जो वैल्यू -1 है, ठीक है, ये 0 है। अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेगा,
फॉर एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं 2 पाई पे वैल्यू क्या है, 2 पाई जब x है तो y 0 है, x जब पाई है तो भी y 0 है, x जब 0 है तो भी y 0 है, x जब पाई ओवर 2 है तो y 1 है, और x जब 3 पाई ओवर 2 है तो y माइनस 1 है. ठीक हो गया, दिस इज द होल sin x ग्राफ. और आपके लिए खैर अभी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जा रहा मैं, इसकी मैं सिर्फ फंक्शन के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन फॉर दिस डोमेन. पार्ट वन इज x इज बिटवीन 0 से 2 पाई, क्या रेंज होगी इसकी? तो आपने जहां लिखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पे लिख देते. जब एक्स जीरो है तो वाई कितना था? जी अगर अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये दोनों पे लिखा होता है, ये अच्छा सवाल हो गया, ये बहुत अच्छा सवाल हो गया, कंफ्यूज हो गए आप लोग. मुझे बताया 0 और 2 पाई दोनों पे लिखा होता है इक्वल टू, सही है? और तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि x जब 0 है तो y 0 है, x 2 पाई है तो भी y 0 है, माइनस 1 और 1 तो बीच में आ रहे हैं, माइनस 1 और 1 तो बीच में आ रहे हैं ना. माइनस 1 और 1 कब आ रहे हैं? जब x पाई ओवर 2 है तब y 1 है, और जब x pi over 2 है तब y 1 है, और x जब 3 pi over 2 है तब y minus 1 है. तो इसका ये मतलब है कि अगर हम 0 से बाद शुरू हो रहे हैं, मतलब 0 equal नहीं भी x, लेकिन 0 के बाद शुरू हो रहे हैं तो pi over 2 के equal तो होगा, मतलब 1 के equal y होगा. जब x pi over 2 के equal है y 1 के equal है, और जब x 3 pi over 2 के equal है y minus 1 के equal है. तो मतलब ये है इसका कि आपने equal to तो यहाँ लगाने ही लगाने हैं, चाहे यहाँ लगाओ या ना लगाओ. आपका ट्रेंडिंग पॉइंट जैसे वहां पे हमने कहा था वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो इस केस में भी ट्रेंडिंग पॉइंट इंक्लूड होगा ही होगा, चाहे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पे इक्वल टू लगाओ या ना लगाओ. दूसरा सवाल, अगर डोमेन में चेंज कर दो. जी सर ये रेंज थोड़ी सी नहीं समझ आई मुझे. अब कोई बात नहीं, तुमने कल क्लास नहीं ली ना, कैसे आएगी समझ में? बिल्कुल भी नहीं आएगी. कल की क्लास जाकर वापस देखो फिर पूछो. 0 से पाए क्या आंसर होगा, रेंज क्या है? x से 0 से पाए रेंज क्या होगी? 0 टू 1. 0 टू 1 बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है. f of x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0, और मैक्सिमम कितनी है? 1. सबको समझ में आ रही है बात? 0 से पाए में 0 से 1 होगी. जी सर. इसका मतलब क्या है कि हम 0 से शुरू हो रहे और पाए पे रुक रहे हैं, इसके आगे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, इससे पीछे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे लिए ग्राफ सिर्फ इतना है, 0 से शुरू हो रहा है, ऊपर जा रहा है, पाए पे खत्म हो रहा है. इस वक्त आप देखें y की मैक्सिमम क्या है? 1. y की मिनिमम क्या है? 0. ये लिखा है हमने. y की मैक्सिमम क्या वैल्यू आ रही है? 1. मिनिमम क्या आ रही है? 0. तो हमने ये लिखा है अपने आंसर में कि f of x is between 0 and 1. रेंज यही होती है ना, मिनिमम क्या है वाई की मैक्सिमम क्या है फॉर दिस डोमेन. डोमेन का मतलब आपको बता रहे हैं एक्स कहां से शुरू करें और कहां पे रुकें. अब समझ में आई बात, मैक्सिमम और मिनिमम? जी सर. पार्ट 3, अगर मैं बोलूं कि डोमेन जो एक्स की दैट इज बिटवीन 3 पाई ओवर 2 एंड 2 पाए, क्या आंसर होगा इसका, रेंज क्या होगी? सर माइनस 1 से 0. सर मिनिमम 0 होगी. माइनस 1 से 0. माइनस 1 से 0, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मिनिमम क्या होगी, माइनस 1 या 0? माइनस 1. माइनस 1. और मैक्सिमम? 0. 0 होगी, बिल्कुल ठीक है. क्यों? क्योंकि हम 3 पाए ओवर 2 से शुरू किया हमने
और हम वन तक गए, तो हमारा ग्राफ जो है वो सिर्फ यहाँ से शुरू हुआ है और ऊपर गया यहाँ तक, इसके पीछे एग्जिस्ट नहीं करता, इसके आगे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपकी सब समझ में आ गया तो मुबारक हो, आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गई है। अब आप होपफुली किसी भी फंक्शन का, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या नॉन लीनियर, क्यूबिक फंक्शन ही क्यों ना देते हैं वो आपको, आपको कोई भी फंक्शन देते हैं, वो लिटरली कोई भी फंक्शन देते हैं, आपने सिर्फ ये देखना है मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, ज्यादा कहाँ से कर रहा हूँ, उस वक्त वाई की मैक्सिमम क्या, मिनिमम क्या, डोमेन वो उन्होंने बताई भी होगी आपको, डोमेन देख के आप रेंज बता सकते हैं। अगर उन्होंने डोमेन नहीं बताई तो उसका मतलब है डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज। अगर डोमेन नहीं बताई तो इसका मतलब है डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज। ठीक हो गया, क्लियर है सबको, फंक्शन हो गया हमारा, सॉरी फंक्शन की डोमेन और रेंज हो गई है। अब यार एक चीज और करनी है फंक्शन में, जो दूसरी चीज हमने करनी है फंक्शन में, पहले हाँ चलो शुरू करते हैं, दो चीजें रह गई हमारे फंक्शन में, ठीक है, वो दो चीजों को फुल्ली हमें खत्म करना है आज ही, सुनने थ्योरी ज्यादा है इसमें, काम कम है थ्योरी ज्यादा, ठीक है। तो पहले तो हमें जरा टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिफाइन करने, या एक काम करें, टाइप्स छोड़े उससे पहले एक काम, टाइप्स आखिर में करेंगे, पहले हम एक काम करेंगे कि हम वो करेंगे जो आपको ऑलरेडी आता है, आपको आता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये आपको आता है ना, ठीक है, ये आपने बोला उधर से सीख के आया है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, पार्ट वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2। जी कोई मुझे इसका इनवर्स फंक्शन बता सकता है ओ लेवल्स की नॉलेज से, अगर कोई भूला हुआ तो वो भी बता दे, जिसको याद है वो मुझे बस इनवर्स फंक्शन बता दे इसका। सर x की जगह y लगा देंगे और fx की जगह x वो लगा देंगे, x नहीं नहीं तुम जरा, तुम्हें आधा याद, आधा भूले हो सर, y+2/3। हाँ ये सही है। अच्छा देखो और होता क्या, मैं इसका सिस्टम बता देता हूँ अगर आप लोगों को जरा सा भूले मैं, जो मुझे लग रहा है बेसिकली करते हैं, आपको ये पता होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू वाई है, तो आप लिखते हैं y=3x-2, ठीक है, फिर आप करते हैं, आप बनाते हैं एक्स को सब्जेक्ट, क्या करेंगे एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वाई प्लस टू हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई प्लस टू, और एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा y+2/3, ठीक है। अभी एक काम और करेंगे, क्या करेंगे, अब वो करेंगे जो आप बोल रहे थे कि आप रिप्लेस कर देंगे, जब x सब्जेक्ट बन गया है तो x की जगह लिखते हैं f इनवर्स x और एक y की जगह लिखते हैं x, ये सीखा था ना, ये याद है आप लोग इनवर्स कैसे बनाते हैं, बेसिक्स ऑफ इनवर्स ओ लेवल वाला, किसी को कंफ्यूजन है अभी पूछ लो मैसेज में चैट में लिख के भेज दो, ये भूल गए, अगर याद है तो ओके लिख के भेज दो। जी अगर ये याद है ओके कर दें, और भूले में तो पूछ लें, क्वेश्चन मार्क लिख दें। बाकी लोग मैं फिर से बता देता हूँ एग्जांपल और करा के, कि पार्ट टू फॉर एग्जांपल इसका ये कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5-2x, ठीक है, तो क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पहले वाई लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू 5-2x, एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, y-5 इज इक्वल टू -2x, तो 2x जो है वो 5-y हो जाएगा, ठीक हो गया, और x जो है वो 5-y/2 हो जाएगा, और आखिर में क्या करेंगे जब x सब्जेक्ट बन गया तो x की जगह f इनवर्स x लिख देते थे और y की जगह x लिख देते थे। इसके पीछे वैसे एक रीजनिंग है, लॉजिक है, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा, आपको बस ये स्टेप्स अगर याद है तो यू आर वेरी गुड टू गो, कोई इसमें कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें। ठीक है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है तो अस्यूमिंग हम सबको ये आता है। अगर आपको इनवर्स निकालना आता है तो तीसरे फंक्शन का इनवर्स आप मुझे खुद बताएंगे, ओके, जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x²+3x-5, इसका इनवर्स बता दें, आप सबको आता है ये सब कुछ, इनवर्स बता दें इसका।
सर इसमें तो हम लोग कंप्यूटिंग द स्क्वायर करेंगे ना. कौन बोल रहा है? हाजरा. अच्छा तो बार बार क्यों बोल रही? सॉरी तुम मुझे आंसर बता दिया जो कि मैं चाह रहा हूँ ये लोग सोचे. इनको इनको तुम सही कह रही हो. आंसर इज करेक्ट. बिल्कुल ठीक कह रही हो. जब पहले इन लोगों को कहने देते ना. आप में से निकला भी किसी का इनमें से निकला? जी इनवर्स आता है आपको निकालना. इनवर्स निकला इसके नहीं निकला? फ्रेंड निकाला तो है. क्या निकला भाई? क्या इनवर्स है बताएं? F inverse x is equals to x minus 2x square plus 5 divided by 3. X minus 2x square minus 2x square plus 5 divided by 3. कैसे 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 निकाल दिया आपने ये? ये बहुत मुश्किल से निकाला होगा. नहीं निकल सकता. ये सब्जेक्ट नहीं बना सकते आप. अगर आपने निकाला है तो ये गलत निकाला. इसका रीज़न क्या है कि आप इसमें सब्जेक्ट नहीं बना सकते x को. आपको बताता हूँ आपने ये किया होगा. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. और आपने x सब्जेक्ट बनाने के लिए या तो 5 को वहाँ ले गए होंगे, फिर 3x को भी शायद ले गए होंगे. 2x स्क्वायर x अलग नहीं हो सकता. x सब्जेक्ट नहीं बन सकता यहाँ पे. तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको. मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या है. अगर आप में से किसी ने इनवर्स निकाला है तो वो गलत निकाला है. क्योंकि जब भी, जैसा कि हाजरा ने बोला कि जब भी इसको लिख लें कहीं पे कि टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब भी हमें इनवर्स निकालना होगा, वी need to convert it into completing square form first. जब भी किसी भी quadratic function का inverse निकालना होगा तो पहले आप ये करेंगे कि उसको आप completing square form में convert करेंगे, फिर x को subject बनाएंगे. Completing square form में convert किए बगैर आप x को सब्जेक्ट नहीं बना सकते मैथमेटिकली स्पीकिंग. तो इसको कन्वर्ट कर ले. कन्वर्ट करना फिर से जल्दी से बता देता हूँ कैसे करते थे. हमने क्वाड्रेटिक्स में सीखा था. फंक्शन में ये चीज़ यूज हो जाती है यहाँ पे. जब भी हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, जो कि ये थी a into x minus h का होल स्क्वायर प्लस k. उसके लिए आप इसको एक्सपेंड करेंगे a into x square minus 2xh plus h square plus k. a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हमेशा यहाँ ही पहुँचेंगे, a square minus 2axh plus h square plus k. ठीक है, ये इक्वल है 2x square plus 3x minus 5 के. कंपेयर कर लें इसको. जी a की वैल्यू कितनी है ये जल्दी से बता दें. 2 a 2 होगा. बिल्कुल ठीक है. ओके x का x क्या अगर 3 जो है x का कोएफिशिएंट वहां पे है, यहाँ पे माइनस 2ah है. ठीक है ना. आपको मैं फिर से एक चीज बता देता हूँ कि x हम आखिर में लिखते हैं. तो मैंने यहाँ पे x नॉर्मली गलती से आगे लिख देता हूँ. आप a मल्टीप्लाई बाय 2xh करेंगे तो ये होगा माइनस 2ahx. ठीक है, नॉर्मली कोशिश किया करें x आखिर में लिखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ये पूरा जो है वो कोएफिशिएंट है x का. अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये हम बार बार ये स्टेप करते हैं, हमेशा ये आता है, कंपैरिजन सेम होता है, तो हम इसका कोई शॉर्टकट निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस, निकाल सकते हैं. लेकिन ऑल्सो नो, मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा शॉर्टकट निकालना. उसका रीजन ये है कि अगर आपने पॉसिबल सॉल्व किए हैं तो इस फॉर्म के अलावा भी ना वो कभी डिफरेंट फॉर्म दे देते. तो आपको कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट आना चाहिए. वो डिफरेंट फॉर्म दे देंगे वो. हो सकता है बाहर के ना लगाया हो उन्होंने, पीछे ए ना लगाया हो, जो भी उन्होंने किया हो. तो आपने ऐसे ही करने से मैं बता रहा हूँ. आप एक्सपेंड करें हर बार और फिर कंपेयर करें, शॉर्टकट्स पर ना जाए. ठीक है, एग्जाम में वो तंग कर सकता है आपको अगर आपने कुछ याद किया होगा. तो तरीका आपको पता होना चाहिए. खैर कंपेयर करते हैं. 3 शुड बी इक्वल टू माइनस 2ah. तो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. a जो है वो 2 है तो 3 वुड बी इक्वल टू माइनस 4h और h की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/4. ठीक है, और उसके बाद हम कॉन्स्टेंट को कंपेयर करेंगे. कॉन्स्टेंट जो है वो वहाँ पे माइनस 5 है और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है वो पूरा है. ये विदाउट एक्स जितनी भी टर्म्स है वो सब कॉन्स्टेंट है. ए एच स्क्वायर प्लस के. ओके, तो माइनस 5 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस के. के की वैल्यू बता दें क्या आ रही है.
जल्दी से। ठीक है। अच्छा तो फाइनली ये जो है दिस वुड देन बी इक्वल टू 2 इनटू x प्लस 3 ओवर 4, सही है ना, ये माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे, याद रखना इस चीज को, का होल स्क्वायर प्लस k, ठीक है। अच्छा तो आपको इनवर्स बनाना था, तो हमारा क्वेश्चन तो ये था कि मैं इनवर्स बनाना, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ पार्ट थ्री को, यहाँ पे पार्ट थ्री एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल था 2x² + 3x - 5 के। तो आपने पहले तो 2x² + 3x - 5 को कन्वर्ट कर लिया दूसरी फॉर्म में, जो कि है 2 × x + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम देख रहे हैं और इसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको हमने बनाना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो हमें क्या, हमने क्या किया था कि हम y की इक्वलेंट कर देते थे, तो y वुड नाउ बी इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर लूँ, y वुड नाउ बी इक्वल टू 2 × x + 3/4 का स्क्वायर - 49/8। अब आप x को सब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, आप पहले -49/8 को वहां लेके जाएंगे, y +49/8 होगा, that would be equal to 2 × x + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, थोड़े से फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, अंडर रूट भी आएगा इसमें, तो कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन नहीं लें इसकी। पहला काम हमने क्या किया कि हमने इस -49/8 को वहां भेज दिया, प्लस हो गया वहां जाके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहां भेज देंगे ताकि वो डिवाइड हो जाए वहां जाके। तो ये जो 2 है ये वहां भेज रहे हैं, 2 वहां जाके डिवाइड होगा, तो बेसिकली 2 जो है वहां जाके 1/2 बन जाएगा। y +49/8 एज इट इज इज इक्वल टू x + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस वुड बी y/2 + 49/16। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कर रहा हूँ, अब 1/2 को मैंने पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 × y would be y/2, 1/2 × 49/8 would become 49/16, 2 denominator है, वो denominator से मल्टीप्लाई हुआ सिर्फ, this is equal to x + 3/4 का होल स्क्वायर। अब मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, पहले था वो हटा दिया, अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लगा दूंगा इस साइड पे भी, अंडर रूट लगाऊंगा इस साइड पे भी, तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा। इसके साथ क्या होगा, ये बचेगा y/2 + 49/16, दैट वुड बी इक्वल टू x + 3/4, और ये अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। फाइनली ये 3/4 जो रह गया, इस बेचारे को वहां भेज दें, तो दैट वुड बी -3/4 + -। अच्छा प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ, अंडर रूट के बाहर नॉर्मली प्लस माइनस लिखते हैं हम, अंडर रूट y/2 + 49/16, ये 3/4 वहां जाके -3/4 हो गया, should be equal to x, तो हमारा जो x है वो इक्वल हो गया है -3/4 + -√y/2 + 49/16 के। और फाइनली लास्ट स्टेप, x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करेंगे x से, तो that would be -3/4 + -√x/2 + 49/16। इसको वापस देख लें, किसी से आपने कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, आंसर आपका आ गया। सर मैंने बोल, जी 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 जी, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि x plus 3/4 पे जो होल स्क्वायर था उसको पहले ही जो है ना, मतलब x² + 9/16 कर दें। नहीं नहीं बेटा, तो फिर मैंने नहीं ना करे, सुने मेरी बात सुने, अगर आपने वो किया तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे हमने शुरू किया था, विच इज दिस, समझ नहीं है, इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर सिंपलीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ थे, तो हम वहां गए क्यों फिर,
हम किसी वजह से गए ना, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट बनाना आसान है, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो फंस जाएंगे, और आप स्क्वायर भी गलत कर रही हैं। x प्लस 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 ओवर 16 नहीं होगा, अगर इसको स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर आपने वो किया तो आप वापस वहीं आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया, तो आप वो ना करें। पूरी स्क्रीन दिखा दे जॉइंट आंसर। और ये कितने मार्क्स का आएगा? अच्छा देखो, नॉर्मली ना हमने इसमें दो चीजें की हैं। देखें, शुरू हमने यहाँ से किया था, ये क्वेश्चन था सिर्फ छोटा सा, इसका इनवर्स निकाल लें, ठीक है? सो इसके लिए पहले हमने इसका पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म किया और फिर इनवर्स निकाला। अगर ये क्वेश्चन आया तो मैंने ये देखा है, नॉर्मली वो आप पर इतना ज्यादा जुल्म नहीं करते जितना मैं कर रहा हूँ, वो आपको पहले बोल देंगे किसी पिछले वर्ड में कि भाई इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनाओ, तो ये आपने बना ली होगी ऑलरेडी, इस फॉर्म तक आप पहुंचे हुए होंगे, ठीक है? और आपको इसके 3 या 4 मार्क्स मिल चुके होंगे, 3 मार्क्स नॉर्मली मिल चुके होंगे। फिर अगले पार्ट में बोला होगा भाई इसका इनवर्स बताओ, ठीक है? तो वो फिर इसके भी 3 मार्क्स कुछ होंगे, तो 3 और 3 6 हो गए टोटल अभी तक हमने जो किया मतलब। लेकिन वो भी बड़े छुप के बोलेंगे कि आपने, वो आपको अपने क्वेश्चन के थ्रू ये नहीं बता रहे होंगे कि भाई ये जो फॉर्म बनाई है ना इस पर इनवर्स निकालो, बोलेंगे वही कि उसी का इनवर्स निकालो जो फंक्शन था, लेकिन उससे पिछले वाले पार्ट में उन्होंने आपसे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया होगा, तो ये करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 6 मार्क्स होंगे वहां से यहां तक, इतनी मेहनत का सिर्फ 6 मार्क्स जी। सर ये इनवर्स जो होता है ये रेंज भी होती है ना? नहीं, आ रहा हूं मैं वहां तक, आ रहा हूं वहां तक मैं आ रहा हूं। अभी तो हमने सिर्फ इनवर्स निकालना सीखा है ना, वहां रेंज और डोमेन पे मैं आता हूं वापस। जी किसी को मसला? अब हम लीनियर फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं और हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने का जो बेसिक तरीका आपने ओ लेवल्स में सीखा था, अब यहाँ पे हम वही फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली कि एक्स को सब्जेक्ट बना रहे हैं। बस यहाँ मसला ये आ रहा था कि क्वाड्रेटिक में एक्स को सब्जेक्ट बनाना बहुत मुश्किल था, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नामुमकिन था, तो हमने उसको पहले कन्वर्ट किया कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में और फिर इनवर्स निकाला। काम हमने वही किया जो आप ओ लेवल्स में कर रहे थे, प्रोसेस वही है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, प्रोसेस वही है कि हम एक्स को सब्जेक्ट बना रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट बना, जैसे जब बन गया एक सब्जेक्ट, उसके बाद हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ इनवर्स एक्स से, और हमने इसको रिप्लेस कर दिया वाई को एक्स से। काम वही किया हमने ओ लेवल्स वाला, प्रोसेस वही है मतलब। और बस इन ओ लेवल्स में आपने जितने फंक्शन देखे थे वो लीनियर थे जनरली, और लीनियर फंक्शन की आपने इनवर्स निकाले थे वो आसान थे, क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकालने में उसको पहले आपने कन्वर्ट करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। ओके हो गया? तो ओके लिख के भेज दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ना, ये जो मैंने सॉल्व किया, इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल। ये बिल्कुल अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन आपको इसी तरीके से करनी है, जब आपको आनी चाहिए भी ये, मतलब ये अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन मतलब कि अगर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे देता फॉर एग्जांपल, यहाँ पे यहाँ से मैं क्वेश्चन देता आपको और कहता कि मेक एक्स द सब्जेक्ट, सही है ना, यहाँ से शुरू करता और बोलता मेक एक्स द सब्जेक्ट, सिर्फ ये बोलता इनवर्स इनवर्स को छोड़ दें आप, सिर्फ इसको देखें, यहाँ से शुरू होता और क्वेश्चन होता कि मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, तो आप आंसर यही लाते, है ना? ये क्वेश्चन यहाँ से अगर शुरू होता तो ओ लेवल से क्वेश्चन बन सकता है, ओ लेवल्स में आती थी ना चीजें रीअरेंज करने में, सब्जेक्ट बनाया किसी को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिर्फ ओ लेवल वाला काम किया, सब्जेक्ट बनाया, प्रोसेस वही चल रहा है सब्जेक्ट। तो अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन आपने कोई नई नई सीखी है, आपने सिर्फ ये सीखा है इसमें कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ तो उसका इनवर्स निकालने से पहले उसे कन्वर्ट करेंगे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कहाँ पे लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा है लाल अल्फाज में, इसको कॉपी कर लें आप, भूलेगा नहीं इस चीज को। क्वाड्रेटिक कन्वर्स निकालने के लिए पहले कन्वर्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग कि ओके जी वाले अभी आए हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, अब्दुल अजीज हरीम कोई मुझे अटेंडेंस की लिस्ट भेज देना प्लीज। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हमें इनवर्स निकालना आ गया तो अब इनवर्स को जरा और समझ ले, इनवर्स अभी खत्म नहीं हुआ हमारा। इनवर्स में एक इम्पोर्टेंट चीज है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, सॉरी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज इट्स रिफ्लेक्शन, इसको भी लिख ले, ऑन द लाइन
y is equal to x. ये भी यहाँ से लेके आता कॉपी कर ले. इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है, इट्स बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन ऑन द लाइन y is equal to x. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं मतलब बताता हूँ, पहले एक चीज और कॉपी कर ले. और ये आपने आई थिंक अगर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी याद है आपको तो आपको याद होगा, नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, आपको से जो मैं बता रहा हूँ उतना उतना लिखें. इनवर्स ऑफ फंक्शन इज इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन y is equal to x. उसके आगे लिखे व्हेनेवर अ फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन y is equal to x, ऑल its points are interchanged. नहीं, all its points से बेहतर है, sorry, all its points से बेहतर है कि आप देखें कि y equal to x, the x and y coordinates, sorry, the x and y coordinates of all its points are interchanged. इसे कॉपी करें प्लीज और मैं इसको बताता हूँ मतलब क्या है जल्दी से. ओके, हम ये कह रहे हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन इज इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x. मतलब क्या है इसकी, इसकी जो एग्जांपल है मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल फंक्शन एक है, देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, ठीक है. और मैं कह रहा हूँ उसको प्लॉट करें, होपफुली आपको लीनियर फंक्शन प्लॉट करने आते हैं एटलीस्ट. देखिए प्लॉटिंग तो आपको बेसिक तो आनी चाहिए, मतलब इसको अगर आप प्लॉट नहीं कर सकते ना तो बड़ा मसले की बात है. तो आप प्लीज कुछ चीज़ें रिवाइज करें जाके वापस. f of x is equal to 2 minus x, line है ये, ठीक है. इसको मतलब क्या है basically कि y is equal to 2 minus x, ठीक है. f of x की जगह हम y लिख देते हैं, y is equal to 2 minus x का हमें plot करना है. और इसको plot करने के लिए दो points चाहिए होते हैं, कोई भी दो point. For example x को 0 रख दें, y कितना आ जाएगा 1, x 0 है तो y 1 है, ठीक है. दूसरा ये कर लें कि x जब for example 2 है तो y 0 है, x 2 होगा तो y 0 हो जाएगा, ठीक है. ये दो मतलब x 0 होगा तो y 2 होगा. थैंक यू हाजरा, बाकी लोग कहाँ हैं यार. x 0 तो y 2 है और x 2 है तो y कितना है, 0. x 2 है तो y कितना है, 0 है. थैंक यू 0. ये दो पॉइंट्स इनको आप अगर मिला दें तो आप सॉरी इसको आप जो है वो एक लाइन बना सकते हैं. यार ये बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे इसको. वेट, अच्छा हम ये कह रहे हैं कि एक तो ये फंक्शन का ग्राफ हो गया, फंक्शन का ग्राफ तो हमें मिल गया. हम ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है. हमने क्या लिखा कि द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स. तो इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए, इसकी रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगी, पहले तो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन बना लें. वाई इक्वल टू एक्स की क्या लाइन होती है, वो बेसिकली जितना वाई है उतना एक्स होगा. एक्स जीरो है तो वाई जीरो है, ये पॉइंट. एक्स वन है तो वाई वन है, एक्स टू है तो वाई टू है, एक्स थ्री है तो वाई थ्री है. मतलब इसकी बेसिकली इस तरीके से लाइन होती है, वो इस तरीके से बनती है y इक्वल टू एक्स, ठीक है. इसमें जितना x है उतना y, x2 है तो y2 है, x3 होता तो y3 आता, x1 है तो y1 है, एंड सो ऑन. y इक्वल टू x की एक और खासियत होती है कि ये हमेशा x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि ये बेसिकली 90 होता है, 90 को हाफ एंड हाफ में डिवाइड कर देती है तो 45 45 में. तो इसको हम 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं. y equal to x की लाइन को 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं. ये एनालिसिस के वक्त में ये सब चीजें आती हैं, एनालिसिस
खैर मैं इसमें कम है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, तो ये आ गया वाई इक्वल टू एक्स। अब हमें क्या करना है, हम क्या कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। अब रिफ्लेक्शन मिलेगी कैसे, हम कह रहे हैं व्हेनेवर अ फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड, सही है, व्हेनेवर अ फंक्शन, व्हेनेवर एनी फंक्शन, लिटरली एनी फंक्शन, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, नॉन लीनियर, क्यूबिक, कुछ भी हो, व्हेनेवर अ फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, जब भी वो रिफ्लेक्ट होता है वाई इक्वल टू एक्स पे, तो द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स of all its points are interchanged. Interchange का मतलब क्या है, x जो है y बन जाता है, y जो है x बन जाता है, ठीक हो गया, x जो है y बन जाता है, y जो x बन जाता है। अच्छा इसमें एक काम और करें, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं, मुझे एक दो पॉइंट और दे देगा इसी लाइन पे, जो हमारा फंक्शन था उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, एक काम करेगा कि ये जो फंक्शन था 2 माइनस x, इसका इन्वर्स क्या निकलेगा, अदर साइड पे बताएगा f of x is equal to 2 minus x, ये मैंने y equal to 2 minus x होगा, यार ये देखो ना इसमें क्या गलती की हमने, x is equal to 2 minus y, इन्वर्स भी यही आएगा 2 minus x, सही है, सॉरी ये हमने फिर एग्जांपल थोड़ी सी गलत ले लिया, इस एग्जांपल में वापस आऊंगा, इसको मिटा नहीं रहे, इसको लिख लें, सही है, एक एग्जाम्पल में और कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ मसला क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर, ये गलती से इत्तेफाकन हमने एग्जांपल एक ऐसी ले ली कि जिसका फंक्शन और इनवर्स सेम है, ये आपको पता है कि बहुत कम होता है, नॉर्मली नहीं होता, इस फंक्शन का इनवर्स सेम है, मतलब कि इसके इनवर्स का ग्राफ भी यही बनेगा जो फंक्शन का ग्राफ बना, ठीक है, और ये गलती में हो गया है, इसको अभी रहने दें, लेकिन अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल मांगा होता इनवर्स ग्राफ तो आप यही करते कि इनवर्स ग्राफ ऐसे ही बना देते, ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल से समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, इस एग्जाम्पल को यहीं पे छोड़ना, उसको मिटा दी रहा, इसकी एक और एग्जाम्पल कर लें, फॉर एग्जाम्पल f of x is equal to 5 plus 2x, पिछली एग्जांपल जो हमने की थी उसमें फंक्शन और इनवर्स सेम आ रहे थे, तो मतलब ग्राफ जो फंक्शन का था वही इनवर्स का था, ठीक है, और ये एग्जांपल समझाने के लिए आपसे बहुत बुरी है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, इत्तेफाकन हुआ गलती से हुआ, इसको देख लें जरा, दूसरी एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 2x, इसका इनवर्स डिफरेंट आएगा, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, x 0 है तो y 5 है, ठीक है, x 0 है तो y 5 है, और x जब फॉर एग्जाम्पल माइनस 1 है, x माइनस 1 है तो y कितना है, x माइनस 1 है तो y कितना है को बता सकता सर, 3 है, बिल्कुल ठीक है, x 0 है तो y 5 है, x माइनस 1 है तो y 3 है, तो इन दो लाइंस को जॉइन, पॉइंट को जॉइन कर दें, इसको ले जाएं, ये आपका एफ ऑफ एक्स ग्राफ बन गया, ठीक है, इसको किसी और कलर से कर लेते हैं यहाँ, तो ताकि सही है, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स ग्राफ बन गया। वाई इक्वल टू एक्स की लाइन जो है वो हम फिर से वही है, वाई इक्वल टू एक्स, नॉर्मली हम डॉटेड बनाते हैं वाई इक्वल टू एक्स, वो आप ऐसे बना ले, दिस इज योर वाई इक्वल टू एक्स की लाइन, ठीक है, अब डॉटेड ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, वाई इक्वल टू एक्स, ये वही है 45 डिग्री लाइन, ठीक है, जितना वाई है उतना एक्स है। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, वापस चलते हैं, ये फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स और हमने फंक्शन बना लिया, इनवर्स को निकाले बगैर, इनवर्स को निकाले बगैर हम प्लॉट कर सकते हैं, फंक्शन का इनवर्स निकालने वगैरह हम प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट किस तरीके से करेंगे वो हमने यहाँ पे सीखा हुआ था, कि हमने कहा कि व्हेनेवर अ फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन y इक्वल टू x, द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि x जो है y बन जाएगा, y जो है वो x बन जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो पॉइंट था 0.5 जो पॉइंट है यहाँ पे 0.5 और एक यहाँ पे पॉइंट था -1.3 जी, 0.5 का जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है, 5.0 एक सेकंड रुकेगा, एक कॉल ले लो, अस्सलाम वालेकुम, किस चीज का, हाँ
हम कहाँ पे थे जी? 0.5 क्या बन जाएगा? 5.0 किसी ने बताया था, बिल्कुल ठीक बताया था, 5.0 एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है -1.3, -1.3 क्या बन जाएगा? 3.1 -3.1 नहीं 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 -1.3 से इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज होगा, ये हो जाएगा 3.-1 साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंटरचेंज होंगे, एक्स और वाई इंटरचेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज नहीं होगा, एक्स जो वाई बन जाएगा, वाई जो एक्स बन जाएगा, ठीक है। -1.3 क्या बनेगा? 3.-1, ठीक है। यहाँ पे x जो है 3 था, y जो है -1 था, हमने चेंज कर दिया, मतलब कि अब जो है x जो है -1 हो जाएगा, y जो 3 हो जाएगा, बस ये है, आपने स्विच करना है, ओके। साइन वन चेंज नहीं करेंगे, -1.3 वुड बिकम 3.-1, 3.-1 यहाँ पे कहीं होगा, ये दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट मिल गए, इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी। अब इनको ज्वाइन कर दिया, लाइन तो बन गई है, लाइन आप एंडलेसली बना ले जितनी लंबी बनानी है आपने, ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन है जी, ये लाइंस पैरेलल होंगी यार? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल, जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं, पैरेलल कैसे होंगी ना, पैरेलल लाइंस तो हो ही नहीं सकती। इसका इनवर्स निकाले क्या आ रहा है? इसका इनवर्स निकाले क्या आएगा? f of x जो है x - 5 डिवाइड, हाँ ना, x माइनस 5 डिवाइड बाई 2 ना, 5 माइनस 2x ये आ रहा है, और आप कह रहे हैं f इनवर्स ऑफ x जो आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मतलब दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइड बाई 2, जो इनवर्स का फंक्शन है वो ये है। और अगर आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें तो क्या बन जाएगा? x अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2। ग्रेडियंट क्या है इसका? इसका ग्रेडियंट क्या है? 1 अपॉन 2, बिल्कुल ठीक है। और इसका ग्रेडियंट क्या है? ये दोनों कैसे पैरेलल हो सकते हैं? पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट सेम होता है, पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट सेम होता है, हमने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में सीखा है ना, तो पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जनरली स्पीकिंग कभी कभार सकता है तुक्के में सेम आ जाए, जैसा कि हमारा पिछला तुक्का इतना खतरनाक लग गया कि जो फंक्शन था वो इनवर्स दोनों सेम आ गया, ठीक है। लेकिन पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है तो ये दोनों पैरेलल बिल्कुल भी नहीं होंगी। हमने सिर्फ ये सीखा है कि टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उसको रिफ्लेक्ट करना है ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। और वाई इक्वल टू एक्स की इस लाइन की खसूसियत यह है कि जब इस पे कोई भी फंक्शन रिफ्लेक्ट होता है उस फंक्शन के सारे पॉइंट्स, लिटरली सारे पॉइंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। आपको और तीसरा पॉइंट भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल तीसरा पॉइंट देखेंगे इस फंक्शन का, तो जैसे कि आप देखें कि x इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा था, x इक्वल टू 3 पे यहाँ क्या आएगा? -1 नहीं, इस पे है ना फंक्शन, x 3 है तो y कितना आएगा? 3.11 तो वहां पे आंसर क्या आना चाहिए? वहां आना चाहिए 11.3, यहाँ 11 करीब में होगा और 3 यहाँ आएगा, बस समझ आया। 3.11 वुड बिकम 11.3, सारे पॉइंट्स इंटरचेंज होंगे। इसको बस साफ बना दूं सर, वो क्या रिफ्लेक्शन बताएगा कि है? क्वेश्चन में बताएगा रिफ्लेक्शन? नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं बताएगा। देखिए, रिफ्लेक्शन आपके इनवर्स की हद तक आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये दो स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हैं काफी हैं आपके लिए, कि जब भी आपको आपको सिर्फ ये बताओ कि कोई भी इनवर्स है ना, कोई भी इनवर्स, वो अपने फंक्शन का रिफ्लेक्शन है ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। फंक्शन की रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा? आपको इनवर्स दिख जाएगा फंक्शन। आप फंक्शन है, अपनी रिफ्लेक्शन देखें ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, तो आपको अपना इनवर्स दिखेगा।
ये बोल रहे हैं हम। उसके अलावा बाकी किसी और लाइन पे की रिफ्लेक्शन क्या होती है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। y इक्वल टू x के अलावा किसी और लाइन से हमें कोई गर्ज नहीं है। जी सर, हमें फिर इक्वेशन इनवर्स नहीं निकालनी होगी, हम डायरेक्ट ये वाला कर लेंगे, मतलब पॉइंट से। अच्छा देखिए, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इसको स्केच बनाया, तो फिर आपको पॉइंट्स को इंटरचेंज करना होगा, जैसा कि मैंने किया। ठीक है, नॉर्मली वो लीनियर फंक्शन नहीं देगा आपको, समझाने के लिए लीनियर दे रहा हूँ मैं, वो आपको अजीब सा फंक्शन दे देगा। वो बोलेगा कि आपने फंक्शन का ग्राफ बनाया और फिर इनवर्स का ग्राफ बनाया, तो आपको सिर्फ ये करना होगा फंक्शन के ग्राफ के सारे पॉइंट्स को इंटरचेंज कर देना होगा। तो हर पॉइंट इंटरचेंज हो जाएगा, एक्स और वाई जो है इंटरचेंज हो जाएगा। 0.5 वुड बिकम 5.0, 1.3 वुड बिकम 3.1, 3.13 वुड बिकम 3.11 फॉर एग्जांपल वुड बिकम 11.3। सो सारे पॉइंट इंटरचेंज करेंगे फंक्शन के टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द इनवर्स, उनको ज्वाइन कर देंगे, इनवर्स का फंक्शन मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे दूसरा काम ये भी कर सकते थे कि आप रिफ्लेक्ट ना करते और आप ये कर लेते जो यहाँ पे किया आपने, ये फाइंड किया। अब इसमें आप इनपुट कर दें वैल्यूज, इसमें रखें x को 1, सॉरी x को इसमें रखें आप, हमने दो पॉइंट्स कौन से निकाले इसमें, एक 5.0 है और एक 0.-1 है। तो इसमें 0 रखें, x की वैल्यू देखें -1 आनी चाहिए। नहीं, हमारे पॉइंट्स कौन से थे, एक था 5.0, हाँ तो 5 रखें और 0 आना चाहिए, 5 रखें 0 आना चाहिए। एक सेकेंड रुकेगा, ये बात समझ में आ रही है, x को 5 रख के 0 आ रहा है आंसर। जी सर, सही है। जो मतलब डोमेन, जिस तरह का हमें डोमेन दी जाए तो उस पे उसको लगा के हम वही करेंगे ना, जिस तरह इक्वेशन पुट करके। हां बिल्कुल। अच्छा, इनवर्स के लिए एक आखिरी चीज पर इनवर्स खत्म हो जाएगा हमारा। आखिरी चीज क्या है वो देख लें, मैं इसको वहीं पर लिख देता हूँ जहां हमने इनवर्स की सारी कहानी लिखी है, जो आई थिंक अब्दुल अजीज बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। वो ये है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है, फंक्शन की जो डोमेन होती है दैट इज इक्वल टू इनवर्स, सॉरी रेंज ऑफ द इनवर्स। जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है। सिमिलरली रेंज ऑफ द फंक्शन बिकम्स डोमेन ऑफ द इनवर्स। फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। डोमेन ऑफ द फंक्शन बिकम्स द रेंज ऑफ द इनवर्स एंड रेंज ऑफ द फंक्शन बिकम्स द डोमेन ऑफ द इनवर्स। इसका रीजन सिंपली यही है, इसका रीजन यही है जो रिफ्लेक्शन की हमने बात की थी, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन y इक्वल टू x। उससे होता क्या था, x जो है y बन जाता था, y जो है x बन जाता था। जब x और y इंटरचेंज हो रहे थे तो मतलब डोमेन जो कि x की वैल्यूज थी वो रेंज बन जाएंगी, और रेंज जो कि y की वैल्यूज थी वो x बन जाएगी। लॉजिक इसकी है, x और y इंटरचेंज हो रहे हैं ना, तो डोमेन होता है x की वैल्यूज वो रेंज बन जाएंगी, y बन जाएगा, रेंज होता है y की वैल्यूज वो डोमेन बन जाएगी x की वैल्यूज। इसको समझने के लिए आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल जिसके हमने निकाले हुए आंसर, मैं वहां से जाऊंगा। तो जैसे कि आपने पार्ट टू किया हुआ था, ये फंक्शन था क्वाड्रेटिक, हमने शुरू में ये किया था इस क्लास के शुरू में। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था जिसका फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वॉज इक्वल टू 3 × x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, मैं इसका ना इन्होंने रेंज इनवर्स मांगा नहीं, इनवर्स नहीं मांगा इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल इनवर्स नहीं मांगा, इन्होंने ये बोला सिर्फ फाइंड द रेंज of ये सॉरी फाइंड फाइंड द रेंज ऑफ इट्स इनवर्स फॉर द डोमेन
इनवर्स की रेंज मांगी, इनवर्स नहीं मांगा, बोले इनवर्स नहीं चाहिए हमको, आप सिर्फ इनवर्स की रेंज बता दें फॉर द डोमेन x इज बिटवीन 4 एंड 16. जी कैसे करेंगे ये को बता सकते हैं? तो वो 16 और 4 हो जाएगा. नहीं, इंटरचेंज का मतलब ये नहीं है बेटा, ये तो y की वैल्यू है, y की वैल्यू आपस में इंटरचेंज नहीं हो रही. इंटरचेंज का मतलब क्या है कि x और y इंटरचेंज हो रहा है, जो x था वो y बन रहा है, जो y था वो x बन रहा है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज, रेंज ऑफ द इनवर्स फॉर द डोमेन x बिटवीन 4 एंड 16. अगर रेंज ऑफ इनवर्स चाहिए वो कैसे निकलेगी? रेंज ऑफ इनवर्स क्या होती है, इसको वापस देखें, हमने क्या लिखा था कि रेंज ऑफ इनवर्स क्या होती है, रेंज ऑफ इनवर्स इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो आपको फंक्शन की डोमेन चाहिए, जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज होगी, फंक्शन की जो डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज होगी. तो क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, जैसे वो कह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ इट्स इनवर्स, एक मिनट बैठिएगा जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. इन्होंने कहा फाइंड द रेंज ऑफ इट्स इनवर्स फॉर द डोमेन एक्स इज बिटवीन 4 एंड 16. तो हम क्या करेंगे, एक्स इज बिटवीन 4 एंड 16, ठीक है. तो अब आपको रेंज चाहिए इनवर्स की, इनवर्स की जो रेंज है वो डोमेन है फंक्शन की, तो आपको फंक्शन की डोमेन चाहिए. अब फंक्शन की डोमेन चाहिए, अच्छा ये x की वैल्यूज दी है इनवर्स के लिए, ये डोमेन किसकी दी है, इनवर्स के लिए. क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, फाइंड द रेंज ऑफ इट्स इनवर्स फॉर द डोमेन 4 से 16. मतलब जब इनवर्स की डोमेन है 4 से 16 तो उसकी रेंज बता दें, तो उसकी रेंज बता दें, ठीक है. तो हम ये कह रहे हैं कि इनवर्स की रेंज के लिए हमें फंक्शन की डोमेन चाहिए, जो फंक्शन की डोमेन होगी वही इनवर्स की रेंज होगी. याद है तुम्हें बात समझ में आ रही है? अब फंक्शन की डोमेन निकलेगी कहां से, फंक्शन की डोमेन पर एक्सप्लेन कर दे जो आपने बोला है. देखो हम बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, ये चीज समझ में आई है, ये जो लिखा हमने थोड़ी बहुत नहीं, ये पूरी समझ में आनी चाहिए वरना आगे नहीं बढ़ सकते हम, ये समझ लो पहले. ये सिंपल क्या कह रहा है, जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है, और जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन बन जाती है, ये बोल रहा है. उसका रीजन क्या है कि जो फंक्शन की एक्स की वैल्यूज थी वो अब वाई की वैल्यूज बन गई है इनवर्स के लिए, और जो फंक्शन की वाई की वैल्यूज थी वो एक्स की वैल्यूज बन गई है फॉर द इनवर्स, इंटरचेंज होगा एक्स और वाई. अच्छा अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही ना, अभी रोक लो इसको, मैं डायरेक्ट पासपेपर से करवा दूंगा, ठीक है. ये पासपेपर क्वेश्चन दिखा के आपको बता दूंगा आंसर क्या है इसका, इसको अभी रहने दो, मैं इसको कॉपी कर लो इसको मैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पासपेपर में आते हैं वो तरीके वो दिखा के फिर आपको समझा दूंगा एग्जैक्टली करना क्या है. बस ये अभी समझ लो, जो फंक्शन का एक्स है वो रेंज का वाई बन जाएगा, जो फंक्शन का वाई है वो इनवर्स का एक्स बन जाएगा, और उसी तरह हम इनवर्स की रेंज और डोमेन फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं पासपेपर में, फिर इसका आंसर बताऊंगा. एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक चीज पूछनी है अभी असल में, क्योंकि अभी हमारा एक सब टॉपिक अभी भी रह गया, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की हिम्मत रह गई है पढ़ने की अभी या नहीं. तो अगर तुम लोगों की हिम्मत है तो मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी टाइम है, मैं फ्री हूँ. मुझे बताओ कि हम फंक्शन खत्म कर सकते हैं आज, मुझे तकरीबन 20-25 मिनट और चाहिए. पढ़ने की हिम्मत है अभी और या नहीं है, मुझे चैट में बता दें प्लीज. तो रह क्या गया यार, टाइप्स ऑफ फंक्शन रह गया. अच्छा वो भी ना, जो जितना रह गया ना वो समझ लो कि जो फंक्शन का पूरा क्वेश्चन आता है ना उसमें ये 2 मार्क का रह गया, लेकिन वो 2 मार्क समझने के लिए हमें बड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है.
ठीक है मैं एक सेकंड मैं वोट देख लूं एक मिनट रुका कोई वोटिंग ऐसे ही है ही नहीं अवेलेबल अच्छा सॉरी ठीक है वेट दो मिनट रुकेगा ठीक है हम कंटिन्यू कर रहे हैं अच्छा सीन ये है कि वो जरा सा रिकॉर्डिंग का मसला चल रहा था तो वो मैं इसलिए कॉलेज से डिस्कस कर रहा था कि सीन क्या रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग चल रही है इंशाल्लाह कल तक अपलोड होगी वैसे अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मुझे एक बार ओके लिख के भेज दें हम कंटिन्यू कर रहे हैं हम फंक्शन खत्म करके उठेंगे इंशाल्लाह ठीक है हम स्टार्ट कर रहे हैं सो हमें दो तीन बातें और करनी है बस इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी इसको वाइंड अप करें हमें देखें टाइप्स ऑफ फंक्शंस ठीक है फंक्शन की टाइप्स बेसिकली ये है एक टाइप है वन टू वन फंक्शन का मतलब क्या है इसकी जो थ्योरी है वो बेसिकली लिख ले वन टू वन का बेसिकली मतलब है फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज वन particular value of y हम क्या कह रहे हैं वन टू वन का बेसिकली मतलब ये कि एक पर्टिकुलर x के लिए एक पर्टिकुलर y है इसमें कुछ समझने की ज्यादा टेंशन नहीं है वन टू वन की एग्जाम्पल क्या होगी ये फंक्शन है जितने लीनियर फंक्शन है वो वन टू वन है उसका रीजन क्या है कि एक x पे आप देखेंगे कि एक ही y आएगा कोई और एक्स होगा तो कोई और वाई आएगा ठीक हो गया वन टू वन फंक्शन का बेसिकली मतलब ये है
मूविंग ऑन, दूसरी टाइप ऑफ फंक्शन क्या है? मैनी टू वन फंक्शन. बाय द सेम टोकन हम वही डेफिनेशन बनाएंगे इसकी भी. मैनी टू वन का मतलब है फॉर मैनी वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है ना, फॉर सॉरी फॉर मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स देयर इज वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है. तो हम कह रहे हैं कि फॉर मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स देयर इज वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई, और उसकी जो डायग्राम बनेगी फॉर एग्जाम्पल वो बनेगी इस तरीके से. जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं वो मैनी टू वन है, जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है मैनी टू वन है. आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि, और मैनी टू वन देखने का आसान तरीका क्या है कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, आपको दिख जाएगा दो डिफरेंट एक्स पे सेम वाई आ रहा है, एक्स नॉट पे भी यही वाई आ रहा है, एक्स वन पे भी यही वाई आ रहा है, और मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स देयर इज सेम वाई. लेकिन आप कहीं भी देखेंगे तो दो डिफरेंट एक्स पे सेम वाई आ रहा है, ठीक है. मैनी टू वन एक दूसरी टाइप है फंक्शन की, और सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो मैनी टू वन है. क्वाड्रेटिक आपको पता है कि सेट फेस या एपीफेस बनता है, एपीफेस आपने देख लिया, सेट फेस एग्जांपल भी देख लिया. ये फॉर एग्जांपल इसमें भी अगर आप ये बनाए एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है, आपको डिफरेंट एक्स पे सेम वाई मिल रहा है. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक जो है वो मैनी टू वन होता है. क्यूबिक फॉर एग्जांपल, क्यूबिक फंक्शन में अगर आप ड्रॉ करें तो वो नॉर्मली वेव बनता है, वो आपके सिलेबस में एस एच क्वाड्रेटिक की तरह तो नहीं है. तो फॉर एग्जांपल वेव बन रही है, ये भी मैनी टू वन है, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है लेकिन ये मैनी टू वन है. मैनी एक्स पे सेम वाई आ रहा है, सही ना. बाय डेफिनेशन फॉर मैनी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई. अगर मैनी एक्स पे सेम वाई आ रहा है, मैनी एक्स पे सेम वाई आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि मैनी टू वन है. अगर एक एक्स पे एक वाई आ रहा है तो आप बोलेंगे वन टू वन है, ठीक है. सारे क्वाड्रेटिक्स मैनी टू वन है, क्वाड्रेटिक के अलावा भी कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि मैनी टू वन होते हैं. तीसरा वन टू मैनी, वन टू मैनी के लिए डेफिनेशन वही होगी जैसे हमारी पुरानी चल रही है कि फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स देर आर मैनी वैल्यूज ऑफ वाई, फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स देर आर मैनी वैल्यूज ऑफ वाई. तो वन एक्स पे मैनी वाई आ रहे हैं तो हम बोलेंगे वन टू मैनी. इसकी एग्जाम्पल डायग्राम फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है. अगर आप देखें तो वन टू मैनी का मतलब वन एक्स पे मैनी वाई आ रहा है ना, हमेशा एक्स पहले आएगा वाई बाद में, वन एक्स पे मैनी वाई. यहाँ पे क्या मतलब था, मैनी एक्स पे वन वाई, ठीक है, पहले एक्स पे फिर वाई है, और यहाँ पे वन आप पिछला जो था वो था वन एक्स पे वन वाई. तो वन टू मैनी का मतलब है एक एक एक्स पे मैनी वाई आ रहा है, और उसको बनाने का तरीका आप देख लें इस तरीके की. फॉर एग्जांपल की डायग्राम होगी कि एक एक्स पे कॉरेस्पॉन्डिंग एक वाई दूसरा वाई, ठीक है. अच्छा, वन टू मैनी को हम ये बोलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वन टू मैनी इज नॉट अ फंक्शन. उसको मैथमेटिक्स टर्म्स में हम फंक्शन नहीं कहेंगे, मतलब कि अगर एक एक्स पे मैनी वाई आ रहे हैं तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन. हम बोलेंगे भाई दिस इज अ रिलेशनशिप ओनली बिटवीन एक्स एंड वाई बट नॉट अ फंक्शन. फंक्शन नहीं है हमारे लिए, ठीक है, उसकी थ्योरी में जाने की कोई जरूरत नहीं है. बस आपको ये दिख जाएगा वन टू मैनी है तो इट्स नॉट अ फंक्शन. फंक्शन दो ही तरह के होते हैं, मतलब एक या तो वन टू वन या मैनी टू वन, ठीक है. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, यहाँ तक सुन रहे तो ओके लिख के भेज दें ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं अपने आप से बातें नहीं कर रहा. ओके लिख के भेज दें प्लीज अगर सुन रहे हैं तो. ठीक है, थैंक यू. ओके,
वन टू वन हो गया, मेरिट टू वन हो गया, और हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हमें जो इम्पोर्टेंट है इसमें ये डिस्कशन का कि इनवर्स की जो हमने कहानी की थी, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ उसको कॉपी कर लें. इनवर्स ओनली एंड ओनली, ओनली एक ही पार्ट भी काफी था लेकिन मैं दो बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए. इनवर्स ओनली एंड ओनली एग्जिस्ट फॉर वन टू वन फंक्शंस. इनवर्स सिर्फ और सिर्फ वन टू वन फंक्शंस का होता है, मेनी टू वन का इनवर्स नहीं होता. इनवर्स सिर्फ और सिर्फ वन टू वन का होता है, मेनी टू वन का इनवर्स नहीं होता. इनवर्स सिर्फ और सिर्फ वन टू वन का होता है, मेनी टू वन का इनवर्स नहीं होता. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ ये है, बिकॉज मैं लिख देता हूं, बिकॉज व्हेन वी रिफ्लेक्ट अ मेनी टू वन फंक्शन, जब हम मेनी टू वन फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द लाइन y इक्वल टू x, जब हम मेनी टू वन फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द लाइन y इक्वल टू x, इट बिकम्स वन टू मैनी. मैनी टू वन को अगर आप कभी, आपको मौका मिले, अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप मैनी टू वन फंक्शन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें ऑन द लाइन y इक्वल टू x, तो आप देखेंगे वो वन टू मैनी बन जाएगा. एक x पे मैनी y आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपको पता होगा कि वन टू मैनी यार फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स कैसे हो सकता है. तो हम ये बोलेंगे कि भाई इनवर्स सिर्फ और सिर्फ वन टू वन का एग्जिस्ट करता है. इनवर्स सिर्फ, जी जो क्वाड्रेटिक वगैरह है उसके भी नहीं होगा क्या इनवर्स? हाँ बिल्कुल नहीं होगा. बहुत बहुत अच्छे हरीम, मेरा अगला सवाल यही था वैसे, बिल्कुल अगला सवाल यही था कि फिर क्वाड्रेटिक का इनवर्स नहीं होना चाहिए. तो फिर अगर क्वाड्रेटिक का इनवर्स नहीं होना चाहिए यूजिंग ऑल दिस, हमने तो ये बोला कि मैनी टू वन का इनवर्स नहीं होता, मतलब क्वाड्रेटिक का इनवर्स भी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी देर पहले जो हम हरकतें कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? हम ये तो कर रहे थे हम क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकाल रहे थे, और हमने निकाला है, हमने इस क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकाल के दिखा दिया. ये था क्वाड्रेटिक का इनवर्स, ठीक है. तो फिर हमने क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकाला कैसे? ठीक है, ये तो मैंने इसलिए सिखा दिया था आपको ताकि आपको इनवर्स निकालना आ जाए. तो अगर आपने इनवर्स निकालना है क्वाड्रेटिक का या किसी भी मेनी टू वन का जो कि हमने निकाला पीछे, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, जैसा कि हमने जो कि हमने किया हुआ है पहले, हमने वैसे मतलब करके दिखाया नहीं था आपको, लेकिन आपको करना होगा. क्या करना होगा आपको? अगर आपको किसी मेनी टू वन का इनवर्स निकालना है, इसको मैं लिख देता हूं, टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मेनी टू वन, और मेनी टू वन में हम नॉर्मली इंटरेस्टेड नहीं है इतना ज्यादा जितना हम क्वाड्रेटिक्स में, मतलब क्वाड्रेटिक बीच में लिख देता हूं ब्रैकेट में, क्वाड्रेटिक फंक्शन, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन या ऑफ अ मेनी टू वन फंक्शन, we first need to convert it into one to one. क्या बोल रहे हैं हम कि अगर हमें मेनी टू वन का इनवर्स निकालना है, हम बाधित हो गए नहीं, हमें निकालना ही है, ठीक है. पहले तो हम बोल रहे हैं मेनी टू वन का इनवर्स होता ही नहीं है, इनवर्स सिर्फ वन टू वन का होता है. लेकिन अगर हमें बोले कि मैनी टू वन या किसी क्वाड्रेटिक का जो कि मैनी टू वन होता है उसका इनवर्स निकालना है, तो मैनी टू वन का इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या करना होगा कि मैनी टू वन को कन्वर्ट करेंगे वन टू वन में. मैनी टू वन को हम कन्वर्ट करेंगे वन टू वन में, और मैनी टू वन को वन टू वन में कन्वर्ट कैसे करेंगे बस वो सीखना है आपने, फंक्शन खत्म हो जाएगा आपका. इतनी सी बात है, मैनी टू वन को वन टू वन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसकी एग्जाम्पल देख लेते. तो आपका जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है. तो इसको अगर मैं डायग्राम बना लूं तो मुझे एटलीस्ट इसका टर्निंग पॉइंट तो पता है क्या है. मुझे इसका टर्निंग पॉइंट को बता सकता है इसको क्या है? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस? 2.1, बिल्कुल ठीक है.
टर्निंग पॉइंट 2.1 है. अच्छा, और इसकी डायग्राम भी मुझे मोर ऑर लेस पता है कैसे बनेगी. एक स्मायलिंग फेस बनेगा, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है. और क्वेश्चन बोल रहे किसका इनवर्स निकाले, क्वेश्चन वैसे ये नहीं बोलेगा डायरेक्टली किसका इनवर्स निकाले, क्वेश्चन अकलमंद है वो आपको बोलेगा ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन जो भी बोल रहा है दफा करें. पहले आप सीख लें कि आप मैनी टू वन को वन टू वन में कन्वर्ट कैसे करते हैं. मैनी टू वन को वन टू वन में कन्वर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका कि आप डोमेन को रीडिफाइन कर दें. क्या करें, आप डोमेन को रीडिफाइन कर दें. डोमेन को रीडिफाइन कैसे करेंगे, इस वक्त इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन क्या है फंक्शन की, कोई बता सकता है इस वक्त डोमेन क्या है इस फंक्शन की? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट बिल्कुल, ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया हुआ तो ऑल रियल वैल्यूज ही चला जा रहा है, कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है. अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन बोलूं, फॉर एग्जांपल, ये पर समझने वाली बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है, मैं इस पर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, समझ लें इसको. अगर मैं इसको इसकी डोमेन बोलूं एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर मैं डोमेन रीडिफाइन कर दूं, मैं बोलूं एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा, आप जीरो से शुरू करें और आगे जाते रहें. एक्स को आप जीरो से शुरू करें, एक्स जीरो यहाँ पे हो रहा है ना, एक्स जीरो है तो वाई कुछ भी आ रहा होगा, और आप आगे जाते रहें, आगे जाते रहें, आप जाए जाए, इससे पीछे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है. जीरो से शुरू हो रहा है, एक्स जीरो से शुरू होगा ग्राफ और आगे जाता रहेगा. मुझे ये बताएं, फॉर दिस डोमेन जीरो से आगे की जो हम एक्स की वैल्यूज देख रहे हैं, क्या ये फंक्शन मैनी टू वन है या वन टू वन है? यहां से शुरू हो रहा है, नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, ये फंक्शन मैनी टू वन है. मैं आपको बता देता हूँ ये मैनी टू वन है. मैनी टू वन क्यों है, क्योंकि आपको मैंने बताया था मैनी टू वन देखने का सिंपल ये तरीका है कि आप एक लाइन बनाए, आप देखेंगे मैनी एक्स पे सेम वाई आ रहा है, हाँ मैनी एक्स पे सेम वाई आ रहा है, तो ये मैनी टू वन है, ठीक है. तो फॉर दिस डोमेन ये मैनी टू वन है. अच्छा, फिर और एक और बार ट्राई करते हैं. अगर मैं बोलूं कि x ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 से क्या मतलब है, 3 से शुरू करें और आगे जाएं, 3 से शुरू करें और आगे जाएं, पीछे का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, पीछे का ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए. आपने शुरू कहां से किया, 3 से, इस पॉइंट से, और अब आगे जाए जा रहे हैं, आज जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाते रहेंगे, ठीक है. अब मुझे बताएं जरा कि क्या इस फंक्शन का, ये फंक्शन वन टू वन है, मैनी टू वन है, यहाँ से जब शुरू हो रहा है आगे जा रहा है, सर मैनी टू वन है, क्यों मैनी टू वन है, इस पे एक एक्स पे ही आएगा, नहीं एक एक्स पे ही आएगा ना, दो वाई कैसे आ रहे हैं, आप लाइन लाइन तो बनी नहीं ना, क्योंकि लाइन जो है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पीछे वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो लाइन तो यहाँ से शुरू हो रही है, ग्राफ सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना, ये बात समझ में आ रही है. हम क्या करेंगे, हम डोमेन को ऐसे रीडिफाइन करेंगे, इसकी लॉजिक सुन लें पहले, तो मैंने आपको सबको सवाल पूछे और थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया, इसकी लॉजिक सुन लें पहले. मैं बता दूं कि ये फॉर दिस डोमेन जो कि 3 से आगे वाला देख रहे हैं हम, पीछे वाला नहीं देख रहे, तो दिस इज 1 to 1, दिस इज 1 to 1, और 1 to 1 वो क्यों है, क्योंकि ग्राफ टर्न नहीं हो रहा, ग्राफ को टर्न होने से अगर आपने रोक दिया, ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ 1 to 1 है, अभी तक 1 to 1 चल रहा है, एक एक्स पे ही वाई आएगा, आप कहीं भी एक्स निकाल लें, एक एक्स पे ही वाई आएगा, लेकिन अगर ये ग्राफ टर्न हो गया और वापस चला गया, अब मल्टीपल एक्स पे एक वाई आएंगे, तो आपने ग्राफ को टर्न होने से पहले रोक देना, हमारा मकसद क्या है, ग्राफ को टर्न ना होने दें, टर्न नहीं होगा तो 1 to 1 है, टर्न नहीं होगा तो 1 to 1, दिस ग्राफ इज 1 to 1, This is 1 to 1, this is 1 to 1, सही है ना, लाइन तो सारी 1 to 1 ही होती है, कर्व भी 1 to 1 हो सकता है अगर हम उसको हमने टर्न होने से रोक दिया, अगर ये टर्न हो गया तो फिर ये बन जाएगा मैनी टू वन, टर्न नहीं होने देना आपने, तो आपने डोमेन को ऐसे डिफाइन करना है कि टर्निंग पॉइंट हट गया, टर्निंग पॉइंट हट गया, तो फॉर एग्जाम्पल एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3 पे ये जो ग्राफ है दिस इज 1 to 1, बात समझ में आ रही है. अब मुझे कोई सोच के बताया कि एक्स लेस देन 0 पे 1 to 1 है या नहीं है? सही है. है बिल्कुल है, बेहतरीन. 0 से शुरू किया, पीछे जाएं, ग्राफ टर्न तो नहीं हो रहा, सिर्फ इतना सा ग्राफ देख रहे हैं हम, सॉरी आगे का वाला कटेंगे, हमारे लिए ग्राफ सिर्फ यहाँ से शुरू होता है, पीछे जा रहा है, तो 1 to 1 है या नहीं है? 1 to 1 है,
बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि x ग्रेटर देन या 4 पे 1 टू 1 है? यस सर है। बिल्कुल ठीक है, 4 से शुरू हो रहे हैं आगे जा रहे हैं, 4 से शुरू हो रहे हैं और आगे जा रहे हैं, पीछे वाला ग्राफ देख ही नहीं रहे, बिल्कुल 1 टू 1 है। x ग्रेटर देन 2 पे 1 टू 1 है? ग्रेटर देन 2 पे टर्निंग पॉइंट्स है? यस सर है। बिल्कुल है, 2 से आगे जा रहे हैं 1 टू 1 रहेगा बिल्कुल। x ग्रेटर देन 0 पे 1 टू 1 है? नो no. बिल्कुल नहीं है, बेहतरीन। 0 से शुरू हो रहे हैं हम, यहां से अब फिर आ रहे हैं, ग्राफ टर्न हो गया, टर्निंग पॉइंट इंक्लूड हो गया, द ग्राफ इज नो मोर 1 टू 1, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा, सीख गए आप लोग, जो लोग जवाब दे रहे एटलीस्ट वो सीख गए। इसको बस मैं एक और अंदाज में बयान कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछता है बस वो आखिरी चीज़ मैं बताऊंगा, क्लास को हम यहाँ पे एंड करेंगे इंशाल्लाह, आपको मोर ऑर लेस चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये करता है, मैं लिटरली आपको पासवर्ड के अल्फाजों में बताता हूँ क्वेश्चन क्या होगा। ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ होगा और वो आपको ये बोलेगा, The domain of the function is x greater than k. सही है, x greater than k बोल दिया उसने, k क्या है मैं नहीं बताया, ठीक है, और function यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, function यही है। अब वो आपको सिर्फ ये बोलेगा, find the minimum value, part one here, find the minimum value of k for which the function has an inverse. पहले तो पढ़े इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर आंसर पे पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि k की वो मिनिमम वैल्यू बताएं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन हैज एन इनवर्स। पहले तो आप ये सोचें कि फंक्शन का इनवर्स होता कब है, फंक्शन का इनवर्स सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब वो 1 टू 1 होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, इनवर्स ओनली एग्जिस्ट फॉर 1 टू 1, फंक्शन मेनी टू 1 का इनवर्स नहीं होता, ठीक है। तो आप पहले तो आप ये सोचें कि वो कह रहे हैं कि इनवर्स कब होगा, तो इसका ये मतलब है कि आपको पता होगा कि इनवर्स सिर्फ तब होगा जब फंक्शन 1 टू 1 होगा, इनवर्स सिर्फ तब होगा जब फंक्शन 1 टू 1 होगा। तो अगर सवाल लिखा होता फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फंक्शन इज 1 टू 1, या लिखा होता फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फंक्शन हैज एन इनवर्स, इन दोनों की एक ही बात है, ये दोनों एक ही मतलब है, द फंक्शन हैज एन इनवर्स या द फंक्शन इज 1 टू 1, डोमेन सेम ही होगी, बात समझ में आ रही, इनवर्स होने के लिए 1 टू 1 होना जरूरी है। तो अब आपने ये सोचना है कि k की वो कौन सी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जिस पर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, या आपने ये सोचना है कि जो कि सेम चीज है कि k की वो कौन सी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जिस पे द फंक्शन इज स्टिल 1 टू 1, 1 टू 1 कब है ये बताना है आपने। तो k क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन k लिख रहे हैं ना, अगर k 10 होता फॉर एग्जांपल, k 10 होता अगर, तो x ग्रेटर देन 10 पे 1 टू 1 है फंक्शन? यस सर है। बिल्कुल ठीक है, और अगर k 5 होता तो 1 टू 1 होता, x ग्रेटर देन 5 पे 1 टू 1 होता? जी सर। सही, तो मतलब यहाँ पे भी इनवर्स होता, x k 2 होता फॉर एग्जांपल, x ग्रेटर देन 2 पे 1 टू 1 होता? तब भी होता। और अगर k 1 होता तो फिर 1 टू 1 होता? नहीं होता, देख लो, अगर k 1 होता x ग्रेटर देन 1 पे 1 टू 1 होता? नहीं होता, करेक्ट हो गया ना ग्राफ, नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। तो k की मिनिमम वैल्यू क्या है? जनरली स्पीकिंग ये नॉर्मली टीचर इस तरीके से याद करवा देते हैं, खैर है कोई बात नहीं, वो अच्छा है कि वो टाइम बचाते हैं, कि जब भी ये सवाल आएगा आपने क्या करना है, आपका आंसर क्या होगा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, आपका आंसर क्या होगा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रेंडिंग पॉइंट, और उसकी लॉजिक आपने सीख लिया, एक्स कोऑर्डिनेट 2 ही है, बस ये आखिरी चीज थी।
होपफुली वन टू वन मैनी टू वन वन टू मैनी सारी कहानी समझ में आ गई है. फंक्शन हमने खत्म कर दिया. डोमेन और रेंज ऑफ द इनवर्स में थोड़ा मसला हो रहा था लेकिन वो क्वेश्चन ट्राई करेगा. अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझसे पूछेगा, इंशाल्लाह वो हो जाएगा. बस ये याद रखिएगा कि डोमेन जो है फंक्शन की वो रेंज बन जाएगी इनवर्स की, और रेंज जो है फंक्शन की वो डोमेन बन जाएगी इनवर्स की. इसके साथ हम खत्म करते हैं क्लास को. और कोई क्वेरीज है तो प्लीज क्वेश्चन आप ट्राई करें. आप सारे पासवर्ड कर सकते हैं फंक्शन के, क्वाड्रेटिक्स के, उसको ट्राई करें. किसी में कोई मसला है तो पूछें, ग्रुप पे पूछ लें, उसे इंडिविजुअली पूछ लें. क्लास को हम यहाँ पे खत्म करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री हमारी रह गई है, उसके बारे में कुछ सोचता हूँ क्या कर सकते हैं. ठीक है देन, अल्लाह हाफिज़.